हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। वहीं उकलाना में बारिश की वजह से नष्ट हुई फसल का मुआवजा न मिलने से अब किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है। किसानों ने रोष प्रकट करते हुए तहसील कार्यालय के बाहर प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने उचित मुआवजे की मांग की। किसानों का कहना है कि साल 2020 में बारिश के कारण उनकी फसलें नष्ट हो गई थी, जिसके बाद हल्का विधायक और राज्य मंत्री अनूप धानक, हिसार उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी समेत कई अधिकारियों ने मौके का जायजा लेकर विशेष गिरदावरी करवाने और मुआवजा देने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि बीमा कंपनी की ओर से प्रति एकड़ 1650 रुपए उनके काटे गए, जबकि अब उन्हें काटी गई राशि के प्रीमियम से भी कम बीमा राशि के रूप में दिया जा रहा है। किसानों का कहना है कि अब मुआवजे के तौर पर 500-700 रुपए प्रति एकड़ दिया जा रहा है, जो किसानों के साथ भद्दा मजाक है। किसानों ने नायब तहसीलदार के माध्यम से उपायुक्त को ज्ञापन देते हुए उचित मुआवजा देने की मांग की है। देखिए, एक एकड़ का 1680 रुपए प्रति एकड़ काटा गया है और जो भेजा गया है ना हमारे पास 200 रुपए एकड़ का भेजा गया है। हमारे घर में 10 किले हैं, मेरे बाप के 3 किले ना, मेरा भाई का 3 किले और 3 किले मेरे बाप का। हमारी भी जो सेम फसल थी, सेम बर्बादी थी, हमारी भी अलग अलग की गई है। मैं आपको खाता दिखाई दूँ, मेरे खाता में 523 रुपये आए हैं, एक खाता में 770 रुपये आए हैं और एक में 1800 रुपये आए हैं, इस तरह आए हैं। लेकिन ये सरकार बहुत लूट कर रही है। हमारी सरकार से अपील है, इसको जो जिस दर से हमारा मुआवजा काटा गया 1680 रुपये, और जो सरकार कह रही 1680 रुपये कटने के बाद जो आपकी परसेंटेज है वो आपको लाभ मिलेगा, वो हमें लाभ दिया जाए। ये बहुत ही दुखदायी बात है। सरकार एक एक किले के जो है 1650-1700-1800 रुपये जो है वो बीमे के क्लेम करती है किसान से, और मुआवजा आपने बता ही दिया है इन्होंने कि भाई कहीं 200 है, कहीं 150 है, एक जगह तो 25 रुपये है। पुलाना क्षेत्र में काफ़ी किसान आए थे इकट्ठे होकर के, और वो समस्त किसान यूनियन के और किसान सभा के प्रधान थे। उन सभी ने फसल खरीद 2020 के बारे में जो मुआवजा दिया जा रहा है उसके बारे में आपत्ति जताई है। उनकी समस्या सुनने के बाद मैंने बीमा कंपनी के जो सर्वेयर हैं उनको बुलाया और उनसे बातचीत की। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अब हम आगे अपने उच्च अधिकारियों से बात करके और 5 मार्च को किसानों को हम इस समस्या के समाधान के बारे में आश्वस्त करेंगे।